पीपल्स पार्टी के साथ उम्मीदवारों को रिटर्निंग अफसरान ने आजाद करार दे दिया। पार्टी टिकट जमा कराने के बावजूद इंतखाबी निशान तीर अलॉट नहीं किया गया। कौमी असेंबली के 3 और पंजाब असेंबली के 4 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान से महरूम कर दिए गए। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे इमरान भट्टी से। जी बताइएगा, तो पंजाब असेंबली के 4 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान से महरूम कर दिए गए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवारों को रिटर्निंग अफसरान ने आजाद करार दे दिया और पीपल्स पार्टी के जो 7 उम्मीदवार हैं इनका पंजाब से ताल्लुक है, इनको पार्टी टिकट जमा करवाने के बावजूद जो पार्टी निशान है वो अलॉट नहीं किया गया। जबकि मैं यहाँ पे बताऊँ की 3 कौमी असम्बली और 4 पंजाब असम्बली के हल्के हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशान नहीं मिले, जिसमें NA-58 चकवाल से जुल्फकार अली खान और NA-59 तलागंग से हसन सरदार और NA-122 लाहौर से चौधरी आतिफ रफीक को तीर का निशान नहीं जारी किया गया। इसी तरह PP-20 से चौधरी निशाद खान और 21 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा अमजद अनवर को, PP-119 टोबा टैक्सिंग से मुजाहिद इस्लाम और PP-163 लाहौर से फयाज भट्टी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इंतखाबी निशान तीर है वो जारी नहीं किया गया। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर ताज हैदर हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तहफुजात पर मबनी जो खत है वो भी तहरीर कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान भट्टी, आपने अपडेट किया।